उसी के साथ साथ अगर मैं बिग बॉस के घर की भी बात करूं, तो मनीषा को लेकर यू नो बेबी का पहले ऐसी थी कि बहुत अच्छी दोस्त बना रही थी इनिशियल डेज में, फिर उसने बाद में तो उनका भी कैरेक्टर असैसिनेशन करने लग गई कि तेरा कैरेक्टर इतना गंदा है, तेरे माँ बाप थूकेंगे भी नहीं. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? और फिर अभी जाकर वो मनीषा को बहुत अच्छा बोल रही है, फिर बाद में आज की प्रोमो में हम वापस से देख रहे तो मनीषा को फिर से एक्यूज कर रही है. अच्छा, अब मैं देख नहीं पा रहा हूँ लास्ट वीक से, पहले क्या बता सकता हूँ क्योंकि अब क्या था, जब मनीषा ने एंट्री की तब उसको लगा कि बेबी का बहुत अच्छी है और एक जैनमन बात पे लड़ाई करेगी या कोई जैनमन बात होगी उसी पे कुछ वो बोलेगी, रिएक्ट करेगी. पर जब गई शुरू में उसकी अच्छी बनी, पर बाद में क्या हुआ कि बेबी का तो हर बात में ही बोले जा रही है, रीज़न नहीं होते लड़ाई के, वो रीज़न निकाल के लड़ाई कर रही थी. वो शायद ये सोच के आई थी कि बिग बॉस में लड़ाई ही करनी है, पर एक लड़ाई भी तरीके से होती है अगर करनी भी है, तो शायद ये सोच के. तो मनीषा को वो रियलाइज़ हुआ आफ्टर 20 डेज, है ना, 25 दिन बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि ये ज़्यादा कर रही है, इसके साथ साथ मेरा भी नाम आएगा कि मैं उसको सपोर्ट करूँगी या कुछ करूँगी, तो उससे थोड़ा अलग हो गई थी वो, है ना. तो बस ये चीज़ थी. तो मनीषा से दूरी थी अभी लास्ट वीक तक, उसके बाद अब आप बता रहे हो कि ये दोनों दोबारा बच्ची चाह रही है, क्या नाम बेबी का. यस, अभी रीसेंट एपिसोड में हमने देखा कि वो बेबी का की तारीफ कर रही है, मनीषा की तारीफ कर रही है बेबी का. अच्छा, और अभी आज के प्रोमो में देख रहे हैं तो वो अक्यूज कर रही है पूजा भट्ट के साथ मिलकर, फिर उस पर पूजा भट्ट बोलती है जो फ्लर्ट करता है वो कभी भी सही नहीं होता, तो एट द एंड मनीषा को फेक बोला जा रहा है कि वो फेक पर्सनैलिटी है. नहीं, फेक नहीं है वो जैसी बाहर है, मैंने बोला ना वो वैसी ही है, बाहर वो मस्ती करती है. okay. वो जैसे कि उसका मन बोर हो रही है अगर बाय चांस, तो वैसे ही किसी रैंडम किसी से बात करनी शुरू कर देगी ऐसी मस्ती में, तो वैसी है. okay. क्यूट है, उसकी बातें भी ऐसी, बस मस्ती करेगी वो, और जैसे ही वो इंसान गया तो बात ख़त्म. okay. उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है, वो मस्ती कर रही है. okay. हाँ, अगर मुझे लग रहा है कि ये ना होती तो मे बी बिग बॉस थोड़ा बोर होता. right. थोड़ा इसकी वजह से लोग हंस पा रहे हैं या इसके बारे में बातें हो पा रही हैं, वरना सब लोग सीरियस टाइप से ही हैं. टॉप 5 में देखकर मनीषा को कैसा लग रहा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. लगा कि आपको कि टॉप 5 तक था? हाँ, लगा तो था, क्योंकि उसमें है वो चीज़, वो हाँ है उसमें वो पोटेंशियल. लेकिन जब से ये एल्विश आए हैं, हाँ, तो एल्विश को सबसे ज्यादा सताती नजर आ रही है. हाँ, अच्छा है ना. एल्विश है हमारे हरियाणा का है, मैं एक्चुअली हरियाणा से हूँ. okay. तो वो मुझे भी अच्छा लगता है पर्सनली, बंदा अच्छा है, अच्छा खेल भी रहा है, दिल का बहुत अच्छा है. कुछ चीज़ों में देखा मैंने उसको कि दोस्ती में पूरा देता है 110%, है ना. मैं भी ऐसा हूँ दोस्ती में, मैं ये कि कुछ भी कर दूँ, तो एल्विश भी ऐसा है. तो मनीषा को शायद वो चीज़ उसकी अच्छी लगी, तो वो थोड़ा मुझे लग रहा है हो रही अट्रैक्ट, कि बाहर भी आए तो शायद वो थोड़ा बहुत उससे बातें भी करे, साथ में कुछ काम करे, वो रील्स बनाए. और अब वो रियल है या नकली है वो तो पता नहीं क्या हो सकता है, पर हाँ अच्छा फ्लर्ट कर रही है वो. हाँ, लेकिन अभिषेक का और मनीषा का एक भाई बहन का बॉन्ड बन गया है, जो ऑल टाइम अभिषेक उनके साथ स्टैंड रहे लेता है. हाँ, और स्टैंड भी लिए है, जब भी बेबिका ने कुछ भी गलत बोला है तब भी उन्होंने स्टैंड लिए. क्या कहना चाहूँगी ब्रदरहुड के बारे में? हाँ, उनकी अच्छी बॉन्डिंग स्टार्टिंग से रही है. मे बी देखो दोनों का दिल अच्छा है, है ना. अभिषेक भी अच्छा इंसान है, तो मनीषा भी अच्छी है, तो उन दोनों की अच्छी बाद में बॉन्डिंग हुई, स्टार्टिंग में नहीं थी मेरे ख्याल से, है ना. तो बाद में जब उसको अभिषेक को लगा कि मनीषा दिल की बुरी नहीं है, कि वो अच्छा चाहती है, वो मस्ती करती है, किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं कुछ नहीं, वो इन्जॉय कर रही है, तो अभिषेक उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ एज ए ब्रदर लगा लो, है ना. तो मनीषा को भी लगा कि इसकी नीयत अच्छी है, अच्छा इंसान है, मेरा साथ दे रहा है, अच्छा है, तो दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हो रही है. अब वो भाई बहन की बोल रहे हैं मेरे ख्याल से. yes, yes. हाँ, so, क्या लगता है मनीषा को, you know, भी 5 पे से किसके साथ रहना चाहिए और किसके साथ नहीं रहना चाहिए? देखो अभिषेक से उसकी अच्छी बॉन्डिंग है, तो मैं बोलूँगा कि हाँ साथ में रहे उसके, अच्छा है. क्योंकि जहाँ अगर मनीषा थोड़ी बहुत कमज़ोर पड़ती है, वहाँ पे अभिषेक साथ खड़ा है उसके, है ना. और एल्विश, और एल्विश भी है, थोड़ा तंग हो रहा है उससे वो. हाँ. ज़्यादा फ्लर्ट कर रही है. हाँ. थोड़ा तंग है, पर वो साथ देगा उसका.
वो उसके सपोर्ट में खड़ा होगा, साथ में है उसके। तो एल्विश भी अच्छा इंसान है और जो पूजा मैम है, पूजा भट्ट है, तो उनसे थोड़ी उनकी अनबन रहती है, है ना। तो बस तो वो तो शायद नहीं बात करेंगे उनसे, इतना नहीं अच्छी बॉन्डिंग हो पाएगी अब। और क्या नाम है बाकी, बेबिका से तो वो नहीं बात करती है अब। शुरू में उसने मौका दिया कि दोस्त बन सकती है, पर जब देखा कि उसका नेचर ऐसा है तो वो दूर हो गई, तो उसे दूर ही रहे अच्छा है। हाँ, बाकी अभिषेक से और एल्विश से वो अच्छे से कनेक्ट रहे बिग बॉस में, और बाहर भी वो हम शायद मिले, मैं मिलना चाहूँगा एल्विश से। ओके सर, जानना चाहिए ना, मनीषा को लेकर काफ़ी ज़्यादा यू नो जुलूस निकला जा रहा है कि वो जीते मनीषा। क्योंकि सबको पता है वो अच्छी है, दिल से बुरी नहीं है वो, और वह है ही वो बिहार की रानी, उसको लोग बोलते भी वो है भी, तो सब सपोर्ट कर रहे हैं। और अब से नहीं, पहले से ही बिहार से उसको बहुत सपोर्ट है। जैसे मैम बनाते हैं रील्स, तो बिहार की पब्लिक इतने मैसेज आते हैं मेरे पास कि मनीषा दी की फ़ैन हूँ, मनीषा दी ये, मनीषा दी वो, तो सब उसको पसंद करते हैं, अननोन लोग भी। तो ये है कि जो सेलिब्रिटीज़ उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबको पता है कि मनीषा अच्छी है, इसको जीतना चाहिए, तो वो सब कर रहे हैं। अगर मैं मनीषा को छोड़कर अगर बात करूँ, घर में अभिषेक और एल्विश का एक भाईचारा वाला जो चल रहा था, हाँ हाँ अच्छा चल रहा था, हाँ सबको पसंद आ रहा था, हाँ। बट अभी कहीं ना कहीं अभिषेक ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंस लगने लग गए ये ट्रॉफी के लिए, इसके बारे में क्या कहना चाहूँगे? उनका कहने का मतलब ये है कि वाइल्ड कार्ड कभी जीत ही नहीं सकता, मैं वाइल्ड कार्ड को कभी कंसिडर करूँगा ही नहीं। दोबारा बोले, समझा नहीं। एल्विश को, एल्विश एज अ वाइल्ड कार्ड वो कभी जीत नहीं सकता, और हाँ। वो कभी कंसीडर ही नहीं करेंगे अभिषेक के वाइल्ड कार्ड जीते। अभिषेक को कहीं ना कहीं लग रहा है कि एल्विश बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, इसका बहुत सपोर्ट है, हरियाणा में इसका एक नाम है, मैं भी देख रहा हूँ रैलीज में, है ना, पूरी भीड़ की भीड़ चलती है, शोज हो रहे हैं कि एल्विश को सपोर्ट करो। तो अभिषेक शायद हल्का सा लग रहा है कि उसकी टक्कर का वो है, और एल्विश का है उसमें इतना कि पोटेंशियल कि वो है, जीत सकता है, वो चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू अभिषेक। तो वो सिर्फ, और बिग बॉस ने उसको बोला है कि कुछ ना कुछ तो बुराई करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो बोलो, है ना, ये सब शायद हुआ है, देख नहीं पाया मैं। अच्छा, खुद का है, तो हाँ फिर यही तो यही है कि वो, क्योंकि उसको डर सिर्फ एल्विश से ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि है उसमें, और वो गेम भी अच्छे से खेलता है, वो दिमाग से भी है और दिल से भी है, दिल से है दोस्ती के लिए, और दिमाग से चलता है वो सामने वाली पार्टीज के लिए जिनसे उनकी नहीं बनती, और दिमाग अच्छे से यूज़ करता है ताकि पब्लिक उसको पसंद भी करे। जी, अभी तो बेबिका है, नहीं होना चाहिए था। बेबिका को नहीं होना चाहिए था, तो उसको तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उनको, उसको सपोर्ट कौन कर रहे हैं, उसको वोट कौन कर रहे हैं जो अब तक टिक गई, क्योंकि इसकी नेगेटिव पर्सनैलिटी मेरे ख्याल से, तो जो मैं भी उसको देख रहा था बहुत दिनों से, है ना, बिना बात के लड़ाई करना, चिल्लाना, वो बिना बात के बस बोले जा रही थी, तो मुझे भी नहीं थी वो इतनी खास पसंद, तो बेबिका ही है। उसकी जगह होना चाहिए था, अभी मुझे याद भी नहीं कौन कौन था, जिया भी नहीं, जैद भी नहीं, जैद का ये अच्छा इंसान था बहुत वो, पर जैद ना मिक्स मैच नहीं हो पा रहा था उनका आपस में, क्योंकि वो, उसको इंग्लिश आती है, उसको हिंदी नहीं आती, वो किसी भी चीज़ में वो नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रही है, और उसको सपोर्ट इंडिया के लोग कम ही कर रहे होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि वो नहीं इतना मिल पा रहा था सबसे, बात भी नहीं कर पा रहा था, हाँ उससे कोई पूछेगा तो रिप्लाई कर रहा था वो, तो उसकी कम थी हर चीज़ में, तो वो ठीक है चला गया। फलक भी अच्छी थी, वो बहुत अच्छी लड़की थी मुझे लगी, दिल से सोचती है वो, और अच्छी लड़की थी वो, वो टॉप फाइव में रहना चाहिए, वो रह सकती थी थोड़ा, अगर वो अपने आप को थोड़ा तेज़ करती ना लड़ाई झगड़ों में, थोड़ा अपने आप को अग्रेसिव रखती थोड़ा सा, वो अच्छी थी वो, उसने कभी गलत चीज़ में किसी का साथ नहीं दिया, वो चुप हो जाती थी, उसको लगा उसके दोस्त कुछ गलत कर रहे हैं तो वहाँ वो शांत हो जाती थी कि नहीं मुझे दूर रहना है, वो उनको बुरा भी नहीं बोलती थी, खुद थोड़ा सा दूरी मेंटेन कर लेती थी ताकि उसके ऊपर कोई उंगली ना उठाए,
है ना, तो अच्छी लड़की मुझे लगी सबसे ऐसे देखा जाए तो। और फिर यही हुआ, थोड़ा वो लड़ाई हुई तो दूर हो जाती थी, अगर वो बराबर का देती ना अपनी सही चीज़ों में तो मुझे लग रहा है कि वो टिक जाती, वो भी अच्छी कंटेस्टेंट थी। देखो मैं तो मनीषा को बोलता, आपने बोल दिया, टॉप टू में मुझे लगता है एल्विश तो है ना, क्योंकि एल्विश तो हर कोई पसंद कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ तो पसंद नहीं। और टॉप टू में एल्विश हो गया, मनीषा को आपने मना कर दिया, नहीं बोलना, हाँ विनर के लिए मना किया, हाँ एल्विश और अभिषेक, विनर एल्विश लग रहा है मुझे तो, एल्विश ही विनर होगा मेरे ख्याल से, तो अगर जैनमन इन्होंने रिजल्ट दिखाए, हाँ तो एल्विश को अच्छी सपोर्ट है बाहर से और वो खेल भी अच्छा रहा है, तो मैं ये बोलूँगा कि एल्विश मुझे मनीषा के बाद वो अच्छा लग रहा है, इसको मैं तो बोल सकता हूँ एक भाई जैसा फील आता है उससे कि मेरा भाई है, ऐसे फील मुझे उसके साथ आता था। सीज़न 13 में अब सिद्धार्थ शुक्ला, उसकी वीडियोस मैं आज भी देखता हूँ, वो एक जैनमन बंदा था, तो उसके बाद अब ये मुझे ठीक लगा कि हाँ अच्छा जा सकता। So, लास्टली जाते जाते जानना चाहेंगे मनीषा के वेलकम के लिए क्या कुछ तैयारियां चल रही घर में, क्या आपको पता है? नहीं, किस तरह से आप किस तरह से वेलकम कर रहे हो मनीषा का? मैंने तो एक्चुअली भी सोचा ही नहीं कुछ कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि हम इतने काम खुद के होते हैं, दिमाग जाता नहीं उन चीज़ों में, खुद के ऑडिशंस देना, खुद को घूमना, स्ट्रगल करना, तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो मैं तो किसी का बर्थडे सेलिब्रेट भी नहीं कर पाता अच्छे से, मैं खुद का भी नहीं करवा पाता क्योंकि इतना बिजी लाइफ हो जाती है मुंबई में, तो पता नहीं। हाँ ये बोलूँगा कि आप सबको पता है मनीषा कैसी है क्या है, दिल की अच्छी है और अच्छा खेल भी रही है और फेक नहीं है, अगर फेक होती ना तो कन्फ्यूज दिखती वो चीज़ों में, वो कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं दिखी, जैसे जिया थी वो कन्फ्यूज़ हो जाती थी, जैसे किसी ने कोई उसको जिम्मेदारी दी तो घबरा जाती थी, पर ऐसा मनीषा नहीं है, मनीषा जो है रियल है और लोग उसको पसंद भी करते हैं बाहर भी रील्स में और अंदर भी उसको पसंद कर रहे हैं, तो ये बोलूँगा कि वोट दीजिए उसको और कोशिश कीजिए कि वो जीते, बस। थैंक यू।